सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। पंजाब ते चंडीगढ़ च वड्डे अफसरां दी कार ईडी दी छापेमारी। अमरूद घोटाले नाल जुड़िया मामला। घोटाला मामले च पंजाब दे दवाई एस अफसरां दे नाम भी शामिल। पंजाब च सिपाहियां दी बल्ले बल्ले जल्द बणनगे हैड कांस्टेबल। हाई कोर्ट ने दित्ती हरी झंडी। रवनीत पिटू दे भाजपा च जान दे सुखजिंदर रंधावा दी तिखी प्रतिक्रिया। बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी नाल ना भुलण योग गद्दारी की। बिट्टू ने सरदार बेअंत सिंह दे नां नूं भाजपा विच जाके कीता कलंकित। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। चंडीगढ़ ते पंजाब दे वड्डे अधिकारियों दे घर ईडी ने छापेमारी की। एक्साइज कमिश्नर पंजाब वरुण रुजम दे घर भी ईडी दी टीम मौजूद है। पिछले साल विजिलेंस ब्यूरो वालों बेनकाब किए गए अमरूद घोटाले के मामले में ईडी ने पंजाब के ट्राई सिटी 31 थावां ते छापेमारी की है। चेते रहे कि अमरूद मुआवजा घोटाला मामले में पंजाब के दो आईएएस अफसरों के नाम भी शामिल ने जिन्होंने अपन पत्नियों के नाते मुआवजा ले लिया। इस घोटाले ईडी पहला भी छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो वालों 106 तो वध व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया गया। अदालत वालों कई मुआवजे के दावेदारों को नोटिस जारी किए गए। दिल्ली तो बाद हुण पंजाब च इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दीआं टीमां ने छापेमारी तेज़ कर दी है। इस तों इलावा चंडीगढ़ ते मोहाली छापेमारी जारी है। यह छापेमारी कई आईएएस अफसरां प्रॉपर्टी डीलर ते कई किसानां समेत 15 टिकाणियां ते हुई दसी जांदी है। सूत्रां तों पता लगे कि जांच मोहाली च अमरूद दे बाग घोटाले संबंधी की जा रही है। फिरोजपुर के डीसी राजेश धीमान की पटियाला स्थित रिहायश से भी ईडी ने छापा मारे। जिक्रयोग है कि डीसी राजेश धीमान की पत्नी अमरूदा के बाग वेचण नूं लैके विवादां च रही है। अमरूद घोटाले मामले के पटियाला श्रीनिवास कलोनी के रेंदे आईएएस अफसर राजेश धीमान के सी अनिल अरोड़ा के घर ईडी की रेड चल रही। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इस मौके मीडिया नाल गल करन तो मना किया। जिक्रयोग है कि एयरपोर्ट रोड से ग्रेटर मोहाली डिवेलपमेंट अथॉरिटी का मामला से जमीन एक्वायर होने तो पहला कुछ लोगों ने इतने अमरूद के बूटे लगाए सन, पर गमाडा अधिकारियों की मिली भुगत नाल उन्हां दी उम्र 4 तो 5 साल दसी गई है, जिस कारण उन्हां दा मुआवजा काफ़ी वध गया। इस तरह कई लोगों ने गलत तरीके नाल मुआवजा ले लिया। विजिलेंस ने संबंधी मुलजमान नूं गिरफ्तार भी किया, पर अदालत ने मुआवजे की रकम वापस जमा करवा के जमानत दी सी। यह एरेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लई जमीन एक्वायर का मामला है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने कांस्टेबल तो हैड कांस्टेबल तरक्की नूं हरी झंडी दिंदे हुए इस दे लई करवाई बीपीटी दी उत्तर कापी नूं चुनौती देण वालियां सारियां पटिशनां नूं खारिज कीता। पटिशनां दाखिल करदे अंकुश शर्मा ते होरनां ने दस्सिया कि पंजाब पुलिस च कांस्टेबल वजों तैनात ने ते उन्हां ने हैड कांस्टेबल अहुदे लई सितंबर 2023 च करवाए बीपीटी च हिस्सा लिया सी। कुल 7,226 लोगों ने इस दे लई बिनय कीता सी ते 6,554 ने प्रीख्या दित्ती सी। प्रीख्या दे दिन ही उत्तर कापी जारी की गई ते इस ते इतराज़ मंगे गए। 523 लोगों ने इतराज दिते सन ते पटिशनकर्तावां दे इतराज नूं दरकिनार करदे हुए चोण सूची जारी कर दी गई। इस दे खिलाफ पटिशनकर्तावां ने हाई कोर्ट दी शरण लई सी। सिंगल बेंच ने पटिशनां नूं खारिज कीता सी, जिस कारण बेंच पटिशन दाखिल कीती गई। अमरीका च रह रहे खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 2014 तो 2022 विचाले लगभग 134 करोड़ रुपए लैण का दोष लाया। सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक पन्नू मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने 1993 के दिल्ली बंब धमाके के मुलजम दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई लिए यह रकम दी सी। पन्नू ने इस मामले च अरविंद केजरीवाल से वादा खिलाफी का दोष लाया। लोकसभा चोणों तो पहला पन्नू का यह खुलासा सियासी मुद्दा बन सकता। इस तों पहला भी आम आदमी पार्टी ते पंजाब दे कट्टरपंथी खालिस्तानियां नाल गठजोड़ दे दोष लग चुके ने। भारत लोड़ींदे पन्नू ने अमरीका तो जारी वीडियो च कहा कि केजरीवाल खुद नूं ईमानदार हिंदू कहिंदे ने, पर ओह बेईमान ने। जदों 2014 च उस कोल सत्ता नहीं सी तां उन्हां ने अमरीका आ के न्यूयॉर्क च खालिस्तानियां नाल वादा कीता सी कि जे उन्हां दी सरकार बणी तां दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं 5 घंटे अंदर छड्ड दित्ता जाएगा।
आबकारी घोटाले नाल जुड़े मनी लांडरिंग मामले च दोषी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पटिशन ते अज सुनवाई है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा उसकी गिरफ्तारी चुनौती देने वाली पटिशन से सुनवाई हो रही है। केजरीवाल ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसनू ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश को गैर कानूनी करा दिता है। उसकी तुरंत रिहाई की मांग की है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट वालों गिरफ्तारी तो अंतरिम राहत देने तो इनकार करन तो कुछ घंटिया बाद 21 मार्च में अरविंद केजरीवाल उन्होंने घर तो गिरफ्तार किया। 22 मार्च में ईडी ने केजरीवाल को राउज एवन्यू स्थित विशेष अदालत पेश करके 10 दिन के रिमांड की मांग की थी, पर ईडी की बेनती से अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत भेज दिया। रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने केजरीवाल को मामले का मुख्य साजिशकर्ता भी दसिया। भारतीय जनता पार्टी वालों आगामी लोग सभा चोणों में पीलीभीत तो अपने मौजूदा संसद मैंबर वरुण गांधी को मैदान चुनाव उतारन के फैसले तो बाद कांग्रसी आगू अधीर रंजन चौधरी ने आगू को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सदा दिता है। मीडिया को संबोधन करते हुए कांग्रसी नेता चौधरी ने दोष लाया कि वरुण गांधी को भाजपा की टिकट तो इनकार करना गांधी परिवार न उसके संबंधों जुड़िया। उन्होंने गांधी के साफ सुथरे अक्स से सिक्ख्या का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हों का खुलेआम स्वागत करेगी। कांग्रेस ने कहा कि उसनू इतने आना चाहिए, सानू खुशी होगी। पढ़े लिखे आदमी ने उन्होंने साफ अक्स है, भाजपा ने उन्होंने टिकट देने तो इनकार किया क्योंकि वह गांधी परिवार से संबंधित ने। मैं लगता है कि उन्होंने कांग्रेस में आ जाना चाहिए। पंजाब के सबका उप मुख्यमंत्री ते विधायक डेरा बाबा नानक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रवनीत सिंह बिट्टू दे भाजपा च जान ते तिखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ तो बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी नाल ना भुलण योग गद्दारी की है। कांग्रेस पार्टी ने बिट्टू के दादा सरदार बेअंत सिंह नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री दा ताज सौंपिया। उसकी भूआ गुरकमल कौर नूं पंजाब दी कैबिनेट मंत्री दा दर्जा दे के मंत्री बनाया। फिर तुहाडे ताया तेज प्रकाश सिंह नूं सरदार बेअंत सिंह दी हत्या तो बाद विधायक ना होण दे बावजूद कैबिनेट मंत्री दा दर्जा दे के नवाजिया। फिर उसके भरा गुरकिरत कोटली नूं भी 3 वार विधानसभा की टिकट दे के चंजीत सिंह चन्नी की वजारत विच कैबिनेट मंत्री का रुतबा दिता। उन्होंने कहा कि बिट्टू ने सरदार बेअंत सिंह दे नां नूं भाजपा च जाके कलंकित कर दिता है, जिसका खामियाजा उसनूं लोक सभा चोणां च भुगतना पवेगा। राष्ट्रीय गऊ सुरक्षा फैडरेशन के जनरल सकत्तर देव पांडे नूं सूचना मिली कि चाटी में नहर के अंदर एक गऊ मरी हुई है, जिसके मुँह से लत्तां बन्नियां हुई ने। किसी ने बेरहमी नाल गां के मुँह से लत्तां बन के नहर में सुट दिता है, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। देव पांडे ने तुरंत राष्ट्रीय गऊ सुरक्षा फैडरेशन के कौमी प्रधान डॉक्टर रोहन मेहरा को सूचित किया। डॉक्टर रोहन मेहरा ने इस संबंधी ACP साउथ को सूचित किया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाई है। डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि कुछ पापी लोग बेबस होकर वख-वख तरीकों नाल गऊआं नूं मार रहे हैं, जो कि मनुखता लई शर्म वाली गल है। उन्होंने पंजाब पुलिस को दोषियों को जल्द लभ के गिरफ्तार करने की अपील की। श्री आनंदपुर साहिब विखे चल रहे होले महल्ले के दर्शन करके वापिस परत रहे श्रद्धालुओं की गड्डी हादसाग्रस्त हो गई है। जानकारी अनुसार पिकअप महिंद्रा गड्डी मोगा फिरोजपुर हाईवे स्थित पिंड डगरू के रेलवे फाटकों को निर्माण दिन चल रही सड़क किनारे पई मिट्टी के ढेर उपर चढ़ गई, जिस कारण 10 सवारियां जख्मी हो गई, जो कि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गड्डी में कुल 25 से 30 सवारियां मौजूद सन। नजर मारते हैं अज के मौसम के हाल के बाद।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।